नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को आरती ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, छत पे आए हैं बाल झाड़ने, और आज मेरा बाबू सोया है दोनों, वो छत पे नहीं आई दोनों, मैं अकेले आई हूँ छत पे बैठने। और धूप नहीं है, सोए थे तो सोचे कि चलते हैं छत पे। सब सब सोए हैं कमरे में, आए हैं छत पे बाल झाड़ लेते हैं। उसके बाद में जाएंगे तो बर्तन धोएंगे। बर्तन भी नहीं धोए हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। पानी आएगा जब बर्तन धोएंगे। पता नहीं यहाँ क्यों पानी की इतना दिक्कत होता है, पानी नहीं आता है। कभी आएगा तो कभी ये भी नहीं करेगा। तो पानी नहीं है तो आज कुछ भी काम नहीं हुआ है। दिन भर सोए थे, और कल शाम को भी बर्तन नहीं धोए हैं क्योंकि पानी आया नहीं, इसलिए तब जाएंगे तो धोएंगे। और सुबह में भी बनाए थे बर्तन, वो भी नहीं धोए हैं। पानी है नहीं तो कहाँ से धोएंगे बर्तन। तो देखते हैं कब तक पानी आता है, उसके बाद में धोएंगे सारा बर्तन तो पानी आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो रात में धो लिए थे बर्तन, और थोड़ा बहुत बचा था तो हम सोचे कि सुबह आएगा पानी जब धो लेंगे, मगर आया नहीं पानी। तो क्या करें, तब आएगा पानी तब धोएंगे। जब तक मतलब इधर जो भी काम है वो काम कर लूँगी। और छत पे पसारे हैं लेवा, वो भी ले जाना है उठाकर, क्योंकि शाम हो गया है। अभी तो सारे छः कितना हो रहा है टाइम, अभी तो 4:10 हो रहा है, 4:10। तभी जाएंगे बाल झाड़ लेंगे, उसके बाद में नीचे जाएंगे नल का चालू करने, पानी आ रहा है कि नहीं। अगर आता होगा तो पानी भरेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो जल्दी से हम बाल झाड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम बाल झाड़ लिए हैं, और मेरा बाल झड़ना काफ़ी भी कम हो गया है। ये देख लीजिए, काफ़ी कम झड़ रहा है बाल, बस थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। देख लीजिए, आप लोग को दिखा रहे हैं सारा बाल निकाल कर। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा निकला है, अब भगवान की कृपा सब सारा मतलब सही हो जाएगा। जितना भी बाल झड़ रहा है सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं झड़ेगा। ये देखिए बस इतने से निकला है, बहुत थोड़ा सा, इससे भी कम निकलेगा मतलब पूरा सही हो जाएगा। तो ये देखिए इधर मेरा सारा कैसा लग रहा है देखने में, बाल झड़ गया है। तो इधर तो ऐसे झा रहे हैं तो इसीलिए नहीं जना रहा है, कम जना रहा है। इधर तो काफ़ी ज़्यादा जना रहा है, मगर सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी झड़ रहा था बाल, तो हम बनिया वाला तेल लेकर आए थे। अब फिर पता नहीं कौन सा तेल लाए हैं, उसे जल्दी मतलब ये जल्दी सूट नहीं कर रहा है, मतलब सूट करते करते करेगा। अब पहले वाला तो सही था, वो जल्दी से सूट कर लिया। चलते हैं फिर नीचे, क्योंकि अब धूप नहीं है तो क्या करेंगे बैठ के। आज तो पूरा सारा दिन धूप नहीं निकले, एकदम हवा चल रहा था, इतना ठंडा ठंडा क्या बताए। और सुबह सुबह कोहरा भी गिर रहा था इतना, इसलिए हम नहीं आए छत पे बैठने। हम आएंगे तो फिर बाबू भी आएगा, फिर इधर उधर सब लुटाएगा, मिट्टी मिट्टी सब कर लेगा कपड़ा, और धूप भी नहीं निकलेगा तो कहाँ सूखेगा कपड़ा। इसीलिए बाबू को भी लेकर नहीं आए छत पर। बाबू सोया था तो फिर हम सोचे चलते हैं अपना फटाफट से ब्लॉग से बना लेते हैं। और कल तो बहुत मेहनत से ब्लॉग से बनाए थे, मगर काफ़ी लोग सब इधर उधर सब गाना बज रहा था, तो मैं छोरी थी ना, उतना 9:30 के ऐसे ब्लॉग बनाई थी। और तो छोड़ने के बाद में कॉपीराइट आने लगा, फिर मेरे को वापस डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा गाना की आवाज़ आ रहा था ना, इसीलिए मैं 2 बार 3 बार अपलोड
की थी, उसके बाद में कॉपीराइट फिर डिलीट कर दिए, कल ब्लॉक भी नहीं छोड़ पाई। वैसे एक था छोटा मोटा, उसी को छोड़ दिए। सब जिधर देखो उधर सब गाना बजा रहे थे, इसी वजह से सब कॉपीराइट आने लगा। और थोड़ा लेट भी हो गया हमको बनाने में ब्लॉग्स, इसीलिए नहीं तो आप लोग को दिखाते, इतना मेहनत से बनाए थे ब्लॉग्स, क्या बताएं। कोई नहीं, अब से ध्यान रखेंगे कि गाना वाना कहीं बजेगा तो हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे बनाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। हमको मालूम नहीं था कि मतलब किसी का गाना बजेगा हम ब्लॉग उसका शूट कर लेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो कोई नहीं, अब से ध्यान में रखेंगे। इस टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा हाथ चढ़ा रहा है, इतना क्या बताएं, बहुत फट रहा है हाथ पैर। तेल नहीं लगाने से तो और सब बेकार हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये सब कैसे चढ़ा रहा है। तेल लगाएंगे उसके बाद में तभी सही रहता है, तेल नहीं लगाते हैं तो ऐसे पता नहीं क्यों फटता है। तब चलते हैं नीचे, आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं इधर। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रहे हैं, और बाल भी झाड़ लिए एकदम से। देखिए कोई नहीं है, अब कम लोग बैठते हैं छत पे। देखिए रूम में तो हम ज़्यादा ब्लॉक नहीं बना पाते हैं क्योंकि अंधेरा अंधेरा दिखता है, इसीलिए बड़ा वाला लाइट ले आएंगे ना, तो उसके बाद में रूम में भी अपना बनाएंगे ब्लॉक्स। अभी लाए नहीं है, लाएंगे। इधर भी देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, पार्क में सोचते हैं हम जाने के लिए। देखिए ये रूम से कितना नज़दीक है, फिर भी हम नहीं जाते हैं, जाएंगे किसी दिन। जाने को मन ही नहीं करता है, दिन भर रूम में पड़े रहते हैं, काम ही क्या है, खाओ पियो अपना, जो भी काम है वो काम कर लो। कपड़ा वपड़ा धोना होता है, नहाना होता है, उसके बाद में खाना पीना बनाना होता है, उसके बाद में आराम से सो, और बाबू को देखना है। आज मेरा बाबू सोया है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो वही यहाँ पर छत पे लाते तो इधर उधर भागती खेलने के लिए, उसको हम बार बार पकड़ते। बैठ जाते हैं, ऐसे ब्लॉक से बनाने से हाथ दर्द करता है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे सही रहता है, ऐसे ऐसे करने पर दर्द करता है। तब चलते हैं नीचे बर्तन धोने, तो आप लोग को दिखाएंगे, और खाना क्या चीज़ बनेगा वो भी दिखाएंगे। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ब्लॉग से आप लोग को कैसा लगता है। तब चलते हैं नीचे, देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इतना सारा बर्तन है, और हमारा पति जी इधर बर्तन धो रहे हैं। तो बर्तन धो के कैसा लग रहा है बताइए। देखिए इधर ये खड़ी है, बहुत हवा चल रहा है। तो चलते हैं रूम में, काम वाम नहीं लग रहा है तो यही ड्यूटी मिला है बर्तन धोने के लिए। गलू क्या कर रहा है, चार्ज खा रही है। इधर देखो बाऊ, इधर देखो, मोबाइल खराब कर दोगी। हाँ चार्ज भी। तो ये देखिए दोस्तों, बाबू मेरा टमाटर खा रहा है। बेटा टमाटर खा रही हो, बाबू को मेरा सर्दी हो गया है, नाक बह रहा है बाबू। तो इधर हम खाना बना रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, हम इतना सारा मिर्ची भूजे हैं, हरी मिर्च, इसमें नमक और अजवाइन डाले हैं, बस थोड़ा सा भूजे हैं, ज़्यादा नहीं। इधर देखिए हमारा गरम गरम चावल,
बन के तैयार हो गया है और इधर मेरा सब्जी बन रहा है, अभी बना नहीं है। देखिए क्योंकि आप लोगों को बताए थे ना कि सुबह में पानी नहीं आया था तो सारा बर्तन भी धोना था, बर्तन तो धुला गया है, अब सब्जी बन जाएगा जल्दी। शाम भी हो गया है, 6 बज रहा है, देखिए कितना अच्छा। थोड़ा सा गोभी बचा था, थोड़ा सा गोभी डाल दिए थे, एक टमाटर डाले हैं और बाकी आलू है। ढक देते हैं, अब बन जाएगा। बाबू अच्छा लग रहा है टमाटर खाने में? तो दोस्तों आप लोग देखे थे कि मेरे पति देव बर्तन धो रहे थे, क्योंकि ठंडा लग रहा है ना बाहर, इसीलिए बोले कि हम धो देते हैं। अब मेरा बाबू छोटा है, आप लोग खुद देख सकते हैं, इधर टमाटर खा रही है। बाबू अभी बिछाना भी बिछाना अभी बिछाए नहीं है, क्योंकि बाबू बाथरूम कर देता है। अभी गए हैं पेम्पर लाने, पेम्पर लाएंगे उसके बाद में इसको पहना कर फिर उसके बाद में बिछाना बिछाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए।